हेलो, वेलकम है एक नए लेक्चर इस फ्लूइड मैकेनिक्स वाले चैप्टर में। लास्ट लेक्चर में सीख रहे थे कि अगर कोई बॉडी अगर किसी लिक्विड में फ्लोट करे तो कब फ्लोट करेगा, उसको न्यूमेरिकली कैसे रिलेट करेंगे उसके बारे में। याद कीजिए, जितना भी फ्लूइड मैकेनिक्स में अभी तक हम लोग पढ़े हैं, इसमें ये मान के चल रहे थे कि लिक्विड भी रेस्ट में था और जिस कंटेनर में लिक्विड रखा था वो कंटेनर भी रेस्ट में था। अब हम लोग मोशन का बात करेंगे, लेकिन अभी भी ये मान के चलेंगे कि लिक्विड अभी भी रेस्ट में है, लेकिन जिस कंटेनर में लिक्विड रखा है वो कंटेनर मोशन में। जहां पे पहले कंडीशन में बात कर रहा है कि किसी कंटेनर में कोई लिक्विड और ये पूरा का पूरा फ्रेम एक्सिलरेशन में। अगर पूरा का पूरा फ्रेम अगर वर्टिकल एक्सेलरेशन में है तो रिलेट करना चाह रहे हैं कि प्रेशर किस तरह चेंज करेगा, फोर्स किस तरह से लगेगा। एट सेम लेवल अगर बात कीजिएगा तो पढ़े हैं कि जब मोशन वर्टिकल होगा तो इसका कोई हॉरिजेंटल में इफेक्ट नहीं होगा। हॉरिजेंटल में इफेक्ट नहीं होने का मतलब, अगर एट सेम लेवल अगर पॉइंट कहीं भी कंसिडर कीजिएगा प्रेशर, क्योंकि मोशन वर्टिकल में है, इसका हॉरिजेंटल में कोई इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, अगर इन वर्टिकल डायरेक्शन अगर बात करें तो इस एक्सलरेशन का फर्क पड़ेगा, इस मोशन का फर्क पड़ेगा। ये रिजल्ट पहले ही हम लोग डिराइव किए थे, याद कीजिए थोड़ा सा, कि ऊपर के कंपेयर में नीचे वाले पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा था। P2 बराबर P1 प्लस रो जी एक्स से ज्यादा था, लेकिन ये तब का बात है जब ये रेस्ट में था। अगर ये वर्टिकल एक्सेलरेशन में था तो ये ऑलरेडी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं पहले से, भले ही उसको यूज नहीं किए थे, उस रिजल्ट को हम लोग यूज नहीं किए थे, लेकिन डेरिवेशन पहले ही कर चुके हैं पहले ही लेक्चर में। गौर से देखिएगा, इस वर्टिकल एक्सेलरेटिंग फ्रेम में जैसे जैसे नीचे जाइएगा प्रेशर रो जी एस से चेंज करने के बजाय रो जी प्लस ए से चेंज करेगा, जिसको अगर रिलेट करना चाहे तो रो जी इफेक्टिव इनटू एच से रिलेट कर सकते हैं। जहां पे वेयर जी इफेक्टिव का वैल्यू अगर रिलेट करना हो तो जी माइनस वेक्टर ए, जिसमें जी नीचे होता है, अब पूरा का पूरा फ्रेम ऊपर जा रहा है, अगर जी को पॉजिटिव मानिएगा तो उस ऊपर वाले एक्सेलरेशन को माइनस में मानना पड़ेगा, जिसको लिखिएगा तो जी प्लस ए। ये वाला कंडीशन वर्टिकली एक्सेलरेटेड में अगर वर्टिकली डाउनवर्ड में हो तो भी रिलेट कर सकते हैं। ये था वर्टिकल में एक्सेलरेशन, अगर डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन हो तो जी इफेक्टिव का वैल्यू यहां पे लिख सकते हैं, इन डाउनवर्ड एक्सलरेटिंग लिक्विड अगर पूरा का पूरा फ्रेम ऊपर जाने के बजाय अगर नीचे जाता तो प्रेशर P1 प्लस रो जी इफेक्टिव एच में, P1 प्लस रो जी इफेक्टिव में जी अगर नीचे है, अगर एक्सेलरेशन भी नीचे है तो जी माइनस एन इंटू एच। मोशन वर्टिकल में है, इफेक्ट वर्टिकल में होगा। अगर वर्टिकली अपवर्ड एक्सेलेशन में है तो ऐसा, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलेशन है तो ऐसा, लेकिन सेम लेवल पे बात कीजिएगा अभी भी प्रेशर सेम है। सेम लेवल पे प्रेशर सेम होने का मतलब हर एक पॉइंट के ऊपर जो लिक्विड का हाइट होगा विच इज सेम होगा, मतलब जो कंटेनर में जो लिक्विड होगा वो हॉरिजेंटली रहेगा। द लेवल ऑफ लिक्विड इज हॉरिजेंटल, वर्टिकल में चाहे कितना भी ऊपर या नीचे एक्सेलरेशन हो इसके लेवल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेम लेवल पे प्रेशर सेम होने के कारण हर एक पॉइंट के ऊपर अगर लिक्विड का बात कीजिएगा, सेम होने के कारण आप बोल सकते हैं कि लिक्विड का जो फ्री सरफेस होगा वो हमेशा हॉरिजेंटल होगा। लेवल कहने की वजह इसको ज्यादा ढूंढना, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज हॉरिजेंटल, वो हॉरिजेंटल ही है। मतलब बोल सकते हैं कि जो प्रेशर अभी तक रो जी एस से चेंज कर रहा था वो रो जी इफेक्टिव इनटू एच, जी इफेक्टिव का वैल्यू इस तरह से निकाल सकते।
इसके अलावा अगर ध्यान दें थोड़ा सा, बायवंसी फोर्स क्या था? तो पढ़े थे कि जो बायवंसी फोर्स था विच प्रेशर डिफरेंस का फोर्स था, ऊपर के कंपेयर में नीचे से प्रेशर ज्यादा लगता था एंड दैट ऊपर के कंपेयर में जो अपवर्ड प्रेशर डिफरेंस फोर्स था उसी को बोल रहे थे बायवंसी। प्रेशर डिफरेंस जब रेस्ट में था तो रो जी एच, जिसको वॉल्यूम के टर्म में लिखते थे तो V inside into liquid का density into G, लेकिन G तब यूज होता था जब वो रेस्ट में था। अगर वर्टिकली एक्सेलरेटेड लिक्विड है तो G के बजाय वो प्रोसेस यहां भी अपना सकते हैं। प्रेशर रो G S से तब चेंज करता था जब वो रेस्ट में था। अगर एक्सेलरेटेड लिक्विड है तो रो जी के बजाय जी इफेक्टिव इनटू एच होने के कारण जब बायवंसी लिखेगा, जब आप बायवंसी लिखेगा तो वी इनसाइड इनटू लिक्विड का डेंसिटी इनटू लिक्विड का डेंसिटी इनटू जी के बजाय जी इफेक्टिव, जहां पे जी इफेक्टिव का वैल्यू यहां से लिखो। मतलब अगर कंटेनर अगर वर्टिकल में एक्सेलरेशन में है तो बायवंसी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, अब बायंसी में जी के जगह पे जी इफेक्टिव आपको यूज करना पड़ेगा। फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी इन वर्टिकली एक्सेलरेटेड लिक्विड, अगर कोई बॉडी अगर फ्लोट करता है तो पढ़े हैं कि कुछ हिस्सा अंदर कुछ हिस्सा बाहर, कितना हिस्सा अंदर कितना वॉल्यूम इनसाइड, ये हम लोग रिलेटिव ही किए थे। अगर बॉडी का अगर फ्रैक्शन इनसाइड निकालना हो तो टोटल वॉल्यूम के कंपेयर में जो वॉल्यूम अंदर था इसका जो वैल्यू आ रहा था बॉडी का डेंसिटी डिवाइड बाय लिक्विड डेंसिटी। ये तब था जब रेस्ट में था। अगर पूरा का पूरा सिस्टम अगर वर्टिकल में एक्सेलरेट करे तो पूरा का पूरा सिस्टम अगर वर्टिकल में एक्सेलरेट करे तो पूरा का पूरा सिस्टम चाहे जितना भी एक्सेलरेट करे ये जो वैल्यू है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जी इफेक्टिव, इसमें कहीं भी जी वाला फैक्टर नहीं आ रहा। जी वाला इफेक्ट नहीं आने के कारण पूरा सिस्टम चाहे ऊपर जाए या पूरा सिस्टम नीचे जाए, जितना पोर्शन अंदर है जितना पोर्शन बाहर है उसके ऊपर न्यूमेरिकली कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो रिजल्ट है वो जी इफेक्टिव के इंडिपेंडेंट है। दैट इज आप बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी दैट इज, इसको यहीं लिख देते हैं जगह थोड़ा मिल जाएगा, जी इफेक्टिव के इंडिपेंडेंट होने के कारण दैट इज वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड, इनसाइड लिक्विड रिमेंस से जितना पोर्शन अंदर है, चाहे ये पूरा सिस्टम ऊपर एक्सेलरेट करे। लेकिन बहुत बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, कई कई इस तरह से पूछता है, पूछा गया है कि अगर पूरा सिस्टम एक्सेलरेट करे तो बॉडी अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा। तो लोग को लगता है जब हम पूरे सिस्टम को एक्सेलरेट करेंगे तो उस लिक्विड में रखा हुआ बॉडी लिक्विड के और अंदर जाएगा धक्का देने के प्रोसेस में। एक्चुअली पूरे सिस्टम को कितना भी ऊपर या कितना भी नीचे एक्सेलरेट करे जितना पोर्शन अंदर है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना हमेशा वैसे रहेगा, क्योंकि जो फैक्टर था वो जी इफेक्टिव के इंडिपेंडेंट आपका था। एक थोड़ा सा न्यूमेरिकली अगर एग्जांपल का बात करें कि किसी कंटेनर में एक लिक्विड दैट इज वाटर भरा है, इसके अंदर एक बॉडी जिसका मास 2 केजी रिलेटिव डेंसिटी 0.5, वाटर से इसका डेंसिटी कम है, जैसी छोड़िएगा तो ये ऊपर भागना चाहिए, वाटर में फ्लोट करना चाहेगा, वाटर से कम डेंसिटी है वाटर में फ्लोट करना चाहेगा, भागे नहीं इसको पकड़ के रखें।
इस स्ट्रिंग में कुछ टेंशन होगा, वही पूछा जा रहा है कि इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा जब पूरा का पूरा सिस्टम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की ओर मूव कर रहा है। फाइन टेंशन इन अ स्ट्रिंग, टेंशन मतलब फोर्स निकालना है, फोर्स का मतलब हमको निकालने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम किसका, उस पार्टिकल का देखते थे, इस पार्टिकल पे कौन कौन सा फोर्स, एक एमजी, एक बायोंसी, और इतना सब होने के बाद पूरा सिस्टम एक्सेलरेट करने के कारण, अगर पूरा सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा तो ये पार्टिकल भी एक्सेलरेट कर, पूरा सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा था ये पार्टिकल भी एक्सेलरेट करेगा कुछ निकालने के लिए। इक्वेशन में नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, इसमें ऊपर पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है मतलब तो पार्टिकल के ऊपर जाने का बात है, बायोंसी माइनस एमजी माइनस टेंशन बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, सब पता है, बस थोड़ा सा बायोंसी निकालना पड़ेगा। वेयर बायोंसी बराबर कितना, तो अगर कोई बॉडी अगर किसी लिक्विड में है तो बायोंसी था वी बॉडी का इनसाइड इनटू लिक्विड का डेंसिटी इनटू जी, जी नहीं एक्सेलरेटर में जी इफेक्टिव होता है। यहां से टेंशन निकाल सकते हैं, सारा डाटा पता, बस खाली बायोंसी निकाल लीजिए, बाकी आपको आसानी से निकल जाए। बॉडी का वॉल्यूम ना देके मास दिया है, अगर मास के टर्म में लिखेगा तो वॉल्यूम बराबर मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी उस बॉडी का डेंसिटी इनटू लिक्विड मतलब वाटर का डेंसिटी, और जी इफेक्टिव का मतलब जी प्लस है, पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, मास 2 दिया है, वाटर का डेंसिटी से डिवाइड कीजिएगा तो रिलेटिव डेंसिटी 0.5, जी 10 था और एक्सेलरेशन 2, अरेंज कीजिएगा तो ये 20 अब ये 12 0.5 मतलब 1/2 ये ऊपर 4 आ जाएगा, अब 12 × 4 = 48 न्यूटन। बायोंसी अगर पता है यहां से बैठा सकते हैं, एमजी पता था, एमए पता है, स्ट्रिंग का टेंशन कितना होगा आसानी से निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेटेड में बायोंसी जी नहीं जी इफेक्टिव यहां वाला ही। चलिए इसको थोड़ा सा नोट कीजिए, तो कुछ और पॉइंट हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि कंटेन लिक्विड अभी भी रेस्ट में है, लेकिन जिस कंटेनर में लिक्विड रखा है अगर वो मोशन में है तो उसके मोशन से, उस कंटेनर के मोशन से उस लिक्विड के अंदर प्रेशर पे किस तरह का फर्क पड़ेगा। अभी जो हम लोग बात किए थे वो वर्टिकल एक्सेलरेशन में बात किए थे, अब थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। ये मान के चल रहे हैं कि लिक्विड अभी भी रेस्ट में है, लेकिन जिस कंटेनर में लिक्विड रखा है पूरा का पूरा कंटेनर हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन में, अब रिलेट करना चाह रहे हैं कि प्रेशर किस तरह चेंज करेगा। अगर विथ हाइट अगर बात कीजिएगा तो मोशन हॉरिजेंटल में होने के कारण इसका इफेक्ट वर्टिकल में नहीं होगा, और वर्टिकल में नहीं होने के कारण जब प्रेशर चेंज का बात होगा तो रोज ये ऊपर के कंपेयर में नीचे प्रेशर ज्यादा होता है, कितना से इस तरह से चेंज करेगा, विच इज डेल्टा पी, प्रेशर जो चेंज कर रहा था रोज ये से नीचे आने में बढ़ रहा था ऊपर जाने में घट रहा था, इस मोशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले जिस तरह चेंज करता था उसी तरह चेंज करेगा। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन से वर्टिकल में प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एट सेम लेवल। तो ये रिजल्ट हम लोग पहले ही डिराइव कर चुके हैं दूसरे वाले साथ लेक्चर में, कि जब पूरा का पूरा कंटेनर हॉरिजॉन्ट, अगर पूरा का पूरा कंटेनर अगर रेस्ट में था तो सेम लेवल पे प्रेशर सेम था,
लेकिन अगर पूरा सिस्टम अगर एक्सेलरेट कर रहा था तो इस वन के कंपेयर में जैसे जैसे दूर जा रहे थे प्रेशर बढ़ रहा था, P2 बराबर P1 प्लस वन के कंपेयर में इस टू वाले पॉइंट पे जैसे जैसे दूर जा रहे थे प्रेशर बढ़ रहा था, कितने से बढ़ रहा था, रो एल ए से बढ़ रहा था। ये हम लोग ऑलरेडी पहले डिराइव किए थे, हाँ उस रिजल्ट को हम लोग यूज नहीं किए थे क्योंकि वहां पे डेरिवेशन हो रहा था तो रेस्ट के लिए, तो हम लोग एक्सेलरेशन में डिराइव कर लिए थे दूसरे वाले लेक्चर में, हम उसको थोड़ा सा अब यूज करेंगे कि प्रेशर अगर इस तरह से चेंज हो रहा है इससे फर्क क्या पड़ रहा है। तो एक्चुअली जैसे जैसे दूर जाएंगे, जहां पे एल था दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, जितना ज्यादा दूर जा रहे थे एल जितना ज्यादा बढ़ रहा था प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ रहा था। अब उस प्रेशर बढ़ने के प्रोसेस में अगर किसी एक पॉइंट पे अगर एग्जैक्ट प्रेशर का बात की जाएगा तो कंटेनर में लिक्विड होगा ओपन टू एयर, हमको प्रेशर पता है। अगर इस वन पॉइंट पे अगर ओपन टू एयर एटमोस्फेयर के टर्म में बात की जाएगा तो P0 प्लस रो जी H1, इसके ऊपर लिक्विड का कुछ हाइट होगा। उसी तरह से टू पॉइंट पर अगर एग्जैक्ट ओपन टू एयर के टर्म में बात कीजिएगा, ओपन टू एयर P0, नीचे आने में P0 प्लस रो जी H2। इस वन के कंपेयर में टू पे प्रेशर ज्यादा होने का मतलब इसके ऊपर लिक्विड का हाइट ज्यादा होगा, लिक्विड का हाइट ज्यादा होने का मतलब जब इस कंटेनर को हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कीजिएगा तो लिक्विड थोड़ा तिरछा पीछे की ओर फेंका हुआ है। जैसे जैसे दूर जा रहे थे प्रेशर बढ़ रहा था, प्रेशर बढ़ने का मतलब इसके ऊपर लिक्विड का हाइट बढ़ेगा, जितना ज्यादा दूर जाएंगे प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ने के कारण लिक्विड का हाइट उसके ऊपर उतना ज्यादा होगा और कंटेनर का जो सरफेस होगा यह कुछ तिरछा होता है उस प्रेशर डिफरेंस के कारण। जब रेस्ट में था तो सेम लेवल पे प्रेशर सेम था, लिक्विड का लेवल सीधा था, हर एक के ऊपर बराबर हाइट तक लिक्विड था, लेकिन तब जब रेस्ट में था, जब ये पूरा का पूरा सिस्टम एक्सेलरेट करेगा लिक्विड का सरफेस तिरछा होगा और लिक्विड का सरफेस तिरछा होने में अलग अलग जगह पे प्रेशर अलग अलग होने के कारण अलग अलग जगह हाइट अलग अलग, लगातार प्रेशर बढ़ने में लिक्विड का सरफेस लगातार तिरछा होगा, जिसमें P0 कैंसिल आउट, रो कॉमन निकलेगा, जी कॉमन निकलेगा। यहां पे अरेंज करके लिख सकते हैं रो जी H1 माइनस H2 इज इक्वल टू रो एल। ये बता रहा है कि लेवल अलग अलग है H2 माइनस H1 टू पे ज्यादा है, यहां पे ये पहले है, लेवल अलग अलग होगा। पूछा जाता है कि जो सरफेस है इस लिक्विड का, जो फ्री सरफेस है कुछ तिरछा है, कुछ एंगल से तिरछा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, दैट इज टैन थीटा एंगल पूछा जाता है। गौर से देखें तो जो थीटा यहां होगा अगर यहां से रिलेट करें तो यही थीटा होगा, टैन थीटा परपेंडिकुलर राइट बेस में, ये वाला जो हाइट है रिलेट कर सकते हैं H2 माइनस H1 और ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस विच L था। अगर टैन थीटा वहां से लिखिएगा H2 माइनस H1 बाय L, H2 माइनस H1 बाय L को अगर अरेंज कीजिएगा, H2 माइनस H1 बाय L को अरेंज कीजिएगा tan थीटा विच ए बाई डी, पूरा का पूरा सिस्टम अगर हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेटेड है, लिक्विड का सरफेस कुछ तिरछा होगा, कितने एंगल से तिरछा होगा अब चाहे तो यहां से रिलेट कर सकते, जिसको आप चाहे तो एक और तरीके से भी सोच सकते हैं, ऐसे तो सोच ही सकते हैं, एक और तरीके से सोच सकते हैं
बात था कि अगर पूरा का पूरा कंटेनर रेस्ट में था तो लिक्विड का सरफेस तिरछा था, जब एक्सेलरेशन में था तो लिक्विड का सरफेस कुछ तिरछा। कितने एंगल से इस तरह से निकाल सकते? इस तरह से तो सोच ही रहे हैं, इसको आप एक और तरीके से न्यूटन्स लॉ वाले तरीके से सोच सकते हैं। एक्चुअली अगर कहीं लिक्विड है, अगर इसके ऊपर टेंजेंशियली फोर्स लगाइएगा तो कभी ये रेस्ट में नहीं रह पाए। रेस्ट में कहीं तभी रह पाएगा जब टेंजेंशियल में फोर्स जीरो हो और पार्टिकल पे जो भी फोर्स लग रहा होगा वो सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर लग रहा हो। मतलब बोल सकते हैं कि अगर कहीं लिक्विड रेस्ट में है तो रेस्ट में तभी रहेगा जब टेंजेंस में फोर्स जीरो, जिधर भी नेट फोर्स लग रहा है लिक्विड का सरफेस ठीक परपेंडिकुलर ना हो। विच एट इक्विलिब्रियम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड डज नॉट सस्टेन एनी टेंजेंशियल फोर्स। जहां टेंजेंशियली में फोर्स लगाइएगा तो लिक्विड उसको सस्टेन नहीं करेगा, मूव कर जाएगा, इक्विलिब्रियम का कंडीशन नहीं हो। एंड इक्विलिब्रियम में जो नेट फोर्स होगा मस्ट बी परपेंडिकुलर टू फ्री सरफेस, तभी वो लिक्विड उस शेप में रह सकता है। बात कर रहे थे कि पूरा का पूरा कंटेनर जब हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड में था तो इस कंटेनर में जो लिक्विड का फ्री सरफेस था कुछ एंगल से तिरछा था। कितने एंगल से तिरछा था? प्रेशर के टर्म में तो सोच ही सकते थे। इसको आप एक और तरीके से ड्रेन कर सकते हैं न्यूटन्स लॉ वाले तरीके से। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पार्टिकल ऑन फ्री सरफेस इन एक्सेलरेटेड फ्रेम। अगर इसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठ के अगर इस पार्टिकल का, इस लिक्विड के सरफेस के पार्टिकल का अगर फ्री बॉडी डायग्राम की जाए तो वेट नीचे और इसी के फ्रेम में बैठे हैं तो एक सूडो फोर्स पीछे लगे, ये सूडो फोर्स होगी। और अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर, और अगर टेंजेंट के डायरेक्शन में अगर बात कीजिएगा इन टेंजेंट डायरेक्शन, टेंजेंट डायरेक्शन बात कीजिएगा तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तभी वो लिक्विड उस तरह से रह पाएगा। जिसमें अगर रिलेट कीजिएगा, अगर ये थीटा थी, ये 90 मास थीटा, ये वाला थीटा है, इस mg का कंपोनेंट सरफेस के टेंजेंट में mg साइन थीटा, और ये थीटा थी, ये भी थीटा में, इधर आ जाएगा ma cos थीटा, जितना ऊपर उतना नीचे, विच mg साइन थीटा बराबर ma cos थीटा। यहां से अरेंज कीजिएगा तो tan थीटा बराबर a by g। अब मन करे तो फोर्स वाले तरीके से सोचे, मन करे तो प्रेशर वाले तरीके से सोचे। हम लोग पढ़ प्रेशर रहे हैं तो आप इस तरह से भी सोच सकते हैं, आप चाहे तो इस तरह से। इस जगह पे नेट फोर्स परपेंडिकुलर में टेंजेंट में नेट फोर्स जीरो, mg का कंपोनेंट जितना नीचे, ma का कंपोनेंट उतना ऊपर में बताएगा कि कितने एंगल से ये लिक्विड का सरफेस तिरछा हो। चलो इसको थोड़ा सा पहले नोट कीजिए, तो कुछ और पॉइंट इस पे बात करते हैं हम। तो अभी हम लोग बात की कि कंटेनर वर्टिकल में एक्सेलरेशन होगा तो कैसे सोचेंगे, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन होगा तो कैसे सोचेंगे। इस बार रिलेट करना चाह रहे हैं कि लिक्विड तो अभी भी रेस्ट में है, लेकिन जिस कंटेनर में लिक्विड रखा है वो कंटेनर एक्सेलरेशन में है, और जो एक्सेलरेशन है वो तिरछा है, दैट इज इसका इफेक्ट एक्स में भी होगा और इसका इफेक्ट वाई में भी होगा। मतलब जो कंटेनर है एक्सेलरेटेड इन बोथ डायरेक्शन। पढ़े हैं कि हॉरिजॉन्टल का इफेक्ट हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल का इफेक्ट वर्टिकल। इन वर्टिकल डायरेक्शन अगर बात कीजिएगा तो प्रेशर चेंज करेगा, इन वर्टिकल डायरेक्शन अगर बात कीजिएगा तो प्रेशर चेंज करेगा, रो जी इंटू एच के बजाय जी इफेक्टिव, जहां पे g इफेक्टिव का वैल्यू g माइनस वेक्टर a में जो एक्सेलरेशन होगा वर्टिकल वाला, तिरछा में कितना एक्सेलरेशन उसका नहीं, इस वर्टिकल कंपोनेंट क्या है उससे फर्क पड़ेगा। डिपेंड, एक्सेलरेशन ऊपर है तो कुछ और प्लस होगा, एक्सेलरेशन नीचे है तो माइनस होगा।
अगर इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन अगर बात कीजिएगा तो हाँ एक चीज और थोड़ा सा, वर्टिकल में कितना भी प्रेशर चेंज करे लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता वर्टिकल मोशन से। अगर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में बात कीजिएगा तो जो प्रेशर चेंज कर रहा था रो एल ए से, यहां पर रो एल ए के बजाय उस एक्स में जो एक्सेलेरेशन हो गया जिसमें पढ़े हैं कि जिधर एक्सेलेरेशन है उससे जैसे जैसे दूर जाएंगे प्रेशर इस तरह चेंज करेगा। वर्टिकल मोशन से प्रेशर पे फर्क पड़ेगा लेकिन लेवल पे नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन इस हॉरिजेंटली एक्सेलेरेट होने के कारण अगर ये हॉरिजेंटली में एक्सेलेरेट कर रहा है तो लिक्विड का सरफेस कुछ तिरछा, जिधर एक्सेलेरेशन है उसके अपोजिट में तिरछा। तो कभी कभी पूछा जाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, जहां पे थोड़ा देर पहले डिराइव किया है कि एक्सेलरेशन के कारण जो लिक्विड का सरफेस तिरछा था वर्टिकल एक्सेलरेशन में डिपेंड करता था, हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन विच ए बाई जी में इस ए का जगह पे यहां पे क्या होगा हॉरिजेंटल में कितना एक्सेलरेशन है, ए एक्स बाई जी के बजाय जी इफेक्टिव मोशन वर्टिकल में हो रहा है। हां वर्टिकल वाले से प्रेशर पे फर्क पड़ेगा लेवल पे नहीं, हॉरिजेंटल से फर्क पड़ेगा, लेकिन हॉरिजेंटल मोशन से जो एंगल इंक्लिनेशन था ए बाई जी में जी का वैल्यू यहां पे थोड़ा चेंज हो रहा है इस एक्सेलरेशन के बजाय, वहां पे जी के बजाय क्या होगा जी इफेक्टिव। इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकली समझने का कोशिश करते हैं, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंटेड बोल रहा है कि किसी स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे एक कंटेनर को छोड़ेंगे, जैसी छोड़ेंगे सरफेस स्मूथ होने के कारण ये नीचे गिरेगा, ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा तो पता है, छोड़ेंगे चाहे कितना भी मास हो एक्सेलरेट करेगा जी साइकिल से, इस एक्सेलरेशन का एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, जिसमें अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होने में इस एक्सेलरेशन का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट आएगा जी साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, और इसका जो इधर कंपोनेंट आएगा जी साइन स्क्वायर थीटा, जी साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, इधर जी साइन थीटा इनटू साइन थीटा दैट इज जी साइन स्क्वायर थीटा। वर्टिकल एक्सेलरेशन से लेवल पे नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन इस हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन से लिक्विड का सरफेस कुछ तिरछा होगा, लिक्विड इस कंटेनर में है लिक्विड का सरफेस हॉरिजेंटल से कुछ तिरछा होगा, जैसे से दूर जाएंगे लिक्विड का लेवल कुछ तिरछा होगा, लिक्विड का लेवल कुछ तिरछा होगा, रिलेट करना चाह रहे हैं कि हॉरिजेंटल से ये कितना तिरछा होगा। फाइन अल्फा ऑफ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड विथ हॉरिजेंटल, पूरा का पूरा सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा, निकालना चाह रहे हैं इस लिक्विड का जो फ्री सरफेस है वो हॉरिजेंटल से कितने एंगल पे, हॉरिजेंटल से कितने एंगल पे। कंटेनर एक्स में भी एक्सेलरेशन में है, जहां इधर रहा था इसका इफेक्ट एक्स में भी था वाई में था, जब दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो तो एंगल फ्री सरफेस का कितना होगा, यार टैन अल्फा बराबर जो आ रहा था ए एक्स बाई जी इफेक्टिव, जहां पे ए एक्स बाई जी इफेक्टिव में एक्सेलरेशन नीचे है जी माइनस ए वाई, एक्सेलरेशन अगर ऊपर होता तो जी प्लस है, एक्सेलरेशन नीचे है तो जी माइनस ए वाई, जहां पे इस एक्स में एक्सेलरेशन जो आ रहा था दैट इज जी साइन थीटा इनटू कॉस थीटा डिवाइड बाय जी माइनस जो ए वाई आ रहा था वो जी साइन स्क्वायर थीटा था, जी वाला फैक्टर तो हट जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा
जिसको आप कॉसस पर थीटा लिख सकते हैं, एक कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा विच इज टैन थीटा, दैट इज अल्फा बराबर, अल्फा बराबर थीटा का मतलब जितना ये तिरछा होगा उतना ही ये तिरछा होगा, जितना ये तिरछा था उतना ही ये भी तिरछा होने का मतलब ये दोनों सरफेस पैरेलल होगा, दैट इज फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन, पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन, तो वर्टिकल मैक्सिलेशन में देखिए क्या इफेक्ट आएगा, हॉरिजॉन्टल मैक्सिलेशन में देखिए क्या इफेक्ट आएगा, तिरछा मैक्सिलेशन हो तब भी देखिए क्या होगा। एक उसमें लास्ट बचा है कि अगर रोटेशन होगा लिक्विड का कंटेनर का तो क्या होगा, इसको पहले नोट कीजिए। तो लोग बात कर रहे हैं प्रेशर किस तरह चेंज करेगा, उसको यूज कैसे करेंगे, अभी तो दो कंडीशन में हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड और वर्टिकली एक्सेलरेटेड लिक्विड ने बात किया। इस बार प्रेशर का इफेक्ट, मोशन का इफेक्ट हम लोग बात करना चाह रहे हैं एक ऐसे लिक्विड में जो रोटेट कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रहा है अबाउट वर्टिकल एक्सिस। मान के चल रहे हैं कि एक ट्यूब जिसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है वन एंड के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, रिलेट करना चाह रहा है कि जब ये रोटेट करेगा इसके कारण प्रेशर किस तरह चेंज करेगा। अगर ये रोटेट इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन में कर रहा है तो पढ़े हैं कि अगर कोई पार्टिकल सेम स्पीड से भी रोटेट करता है देयर इज एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। पार्टिकल हॉरिजॉन्टली इस तरह से रोटेट कर रहा है एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल होगा, एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल होने के कारण इफेक्ट भी हॉरिजॉन्टल में होगा, वर्टिकल में कोई इफेक्ट नहीं होगा। इन वर्टिकल डायरेक्शन इस मोशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, प्रेशर अभी भी कितने से चेंज कर रहा होगा तो नीचे जाने में बढ़ेगा रोजियस, ऊपर जाने में घटेगा रोजियस। वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेशन का मतलब पार्टिकल में एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टली है सेंटर की तरफ, उसका इफेक्ट हॉरिजॉन्टल में होगा वर्टिकल में कोई इफेक्ट नहीं होगा। हाँ रिलेट करना चाह रहे हैं कि इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेशन में जो हॉरिजॉन्टली इफेक्ट होगा वो इफेक्ट कैसा होगा उसके बारे में थोड़ा सा रिलेट कर रहा था। गौर से देखिएगा तो हर छोटा छोटा जो टुकड़ा है, हर छोटा छोटा जो एलिमेंट है वो सेम रेडियस में रोटेट करने के बजाय अलग अलग जगह पे अलग अलग रेडियस ऑफ रोटेशन है, जिसके कारण कुछ भी रिलेट करने में सारे को एक साथ नहीं सोच सकते हैं, उसके लिए एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा पहले सेगमेंट तोड़े। फॉर एलिमेंट जो छोटा सा सेगमेंट हम तोड़ रहे हैं ये सर्कुलर मोशन में है, और जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करे तो पढ़े हैं कि पार्टिकल को सर्किल में मूव करने के लिए एक फोर्स चाहिए, रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स। अगर ये छोटा सा एलिमेंट लिए हैं तो इसका छोटा सा मास होगा एम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर, मतलब ये फोर्स चाहिए होता है, लगता नहीं, पार्टिकल को सर्किल में घूमने के लिए चाहिए, मिलेगा तो घूमेगा नहीं मिलेगा तो बाहर फेंकेगा। जब आप इसको रोटेट कीजिएगा पार्टिकल को फोर्स चाहिए, जितना प्रेशर इस छोटे से एलिमेंट पे, इधर वाला लिक्विड इसको प्रेशर के कारण ढकेलेगा, इधर वाला इसको इधर ढकेलेगा, अगर दोनों तरफ अगर सेम प्रेशर हुआ तो पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, और पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगेगा तो पार्टिकल को घूमने के लिए जो फोर्स चाहिए वो मिलेगा नहीं, तो वो घूम नहीं पाएगा, और जब घुमाइएगा तो ये बाहर फेंकता है। लेकिन एक लिमिट से ज्यादा फेंकाने के बाद
इधर से प्रेशर ज्यादा क्रिएट होता है, और जब इधर से प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा तो पार्टिकल को एक नेट सेंटर की ओर फोर्स लगेगा जो घूमने में हेल्प करेगा, और तब जाके वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर पाएगा। मतलब इस अंदर के कंपेयर में बाहर से प्रेशर का फोर्स ज्यादा लगेगा। अगर इस ट्यूब का एरिया अगर ए, अंदर का प्रेशर अगर पी, इधर प्रेशर ज्यादा लगेगा, प्रेशर इनटू एरिया फोर्स अंदर के कंपेयर में इधर से ज्यादा प्रेशर का फोर्स लगेगा, नेट फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा, जो कि इसको जो फोर्स चाहिए दैट विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स, जिसके कारण वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर। मतलब पार्टिकल को जो फोर्स चाहिए अंदर के कंपेयर में, जो प्रेशर का ज्यादा फोर्स बाहर से लग रहा है That will provide the required centripetal force, जिसके कारण वो घूम पाएगा। और यही तो relate करना है कि vertical में कोई effect नहीं था, जैसे पहले pressure change करता था अभी भी उसी तरह से, लेकिन horizontal में इस motion के कारण pressure change करेगा। वही निकालना चाहते हैं, variation of pressure at same level, अंदर के कंपेयर में बाहर ज्यादा pressure है, अलग pressure है, कितना अलग है, किस तरह change करेगा, उसी को relate करना चाहते हैं। पढ़ा है कि लिक्विड को मास से नहीं डेंसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस ट्यूब में कोई लिक्विड होगा, कुछ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम में, इसका एरिया ए, थिकनेस है डीएक्स, जहां पे ए इज इस ट्यूब का एरिया था। ओमेगा हर जगह सेम होगा, इज इक्वल टू पी वाला फैक्टर कैंसिल होने के बाद dp into a, एरिया वाला फैक्टर कट जाएगा, जो बच रहा है dp बराबर rho omega square x into x। ये बता रहा है कि प्रेशर इस छोटे से सेगमेंट के क्रॉस इतना चेंज करेगा तभी वो घूम पाएगा। हम रिलेट करना चाह रहे हैं इसके एंड के बीच प्रेशर कितना चेंज कर रहा है। उस रोटेशन में प्रेशर यहां कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा, वर्टिकल में उस रोटेशन का इफेक्ट नहीं होगा, वो अलग तरीके से चेंज करेगा। इसको अगर इंटीग्रेट करें तो रो ओमेगा हर जगह से एक्सचेंज करेगा, जब एक्स इक्वल टू जीरो यहां से स्टार्ट हुआ था तो इस जगह पी के जगह पी वन, एक्स इक्वल टू इंड पे इस रॉड का कुछ लेंथ होगा, एक्स इक्वल टू एल पे निकालना चाह रहे हैं कि इस साइड से इस साइड जाने में जो प्रेशर बढ़ रहा है, यहां से यहां तक जाने में प्रेशर कितना चेंज करेगा। dp का इंटीग्रेशन विच इज p, लिमिट बैठाइएगा p2 माइनस p1 इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर dx, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, लिमिट बैठाए खाली अपर लिमिट पाएगा l स्क्वायर बाय 2। इस अंदर के कंपेयर में, इस अंदर के कंपेयर में बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि लिक्विड बाहर फेंका रहा है, उसको जो फोर्स चाहिए था शुरू में मिल नहीं रहा था, बाहर फेंकाएगा, प्रेशर बढ़ेगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स ज्यादा अंदर लगेगा, तब वो घूम पाएगा। मतलब साथ साथ घूमने के लिए एक लिमिट तक फेंकाएगा, जिसके कारण प्रेशर इतना चेंज करेगा। प्रेशर जो चेंज कर रहा है इसको अगर हाइट के टर्म में लिखे, इधर प्रेशर कुछ और, इधर प्रेशर कुछ और, जिसके कारण इधर लिक्विड का हाइट कुछ और, इधर लिक्विड का हाइट कुछ और। अगर इस वन पॉइंट अगर हाइट के टर्म में अगर लिखा जाए तो यहां पे ओपन टू एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस वन पॉइंट पे लिखेगा तो पी नॉट प्लस रो जी एच वन, इस टू पे लिखेगा तो पी नॉट प्लस रो जी एच टू, इधर भी लिक्विड का कुछ हाइट is equal to rho omega square L square divided by 2, P naught वाला factor हट जाएगा, rho वाला factor हट जाएगा, H2 minus H1 बराबर omega square L square by 2G। यही आप बोल सकते हैं कि दोनों के level में अंतर, which is दोनों के height में अंतर। उस रोटेशन के कारण वर्टिकल में प्रेशर अभी भी रो जी एच,
लेकिन रोटेशन के कारण हॉरिजेंटल में जो एक्सलेशन था सेम लेवल पे प्रेशर अलग अलग था, उस वन से टू के बीच जो प्रेशर चेंज कर रहा था रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय टू लेवल जो अंतर था ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय टू। लेकिन ध्यान रहे ये रिजल्ट तब का है जब ये मान के चल रहे हैं कि वन एंड के अबाउट रोटेशन है और दूसरा एंड फ्री है। इसको थोड़ा सा नोट कीजिए, इस रिजल्ट को एक आप एग्जाम्पल में यूज करते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। तो अभी हम लोग सीखे कि सेम लेवल पे प्रेशर चेंज कर रहा था उस रोटेशन के कारण, जिसके कारण ट्यूब में दोनों साइड लिक्विड का लेवल अलग अलग, लिक्विड का लेवल कितना अलग अलग था तो निकाले तो आ रहा था ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय टू। लेकिन ध्यान रहे ये फॉर्मूला जब डेराइव किए थे ये मान के डेराइव किए थे कि वन एंड के अबाउट रोटेशन है और दूसरा एंड जो फ्री है उसका लेवल कितना अलग है। अगर वन एंड के अबाउट अगर रोटेशन नहीं हो रहा होगा तो सीधा सीधा इस रिजल्ट को नहीं यूज कर पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल से इसको समझते हैं, बोल रहे हैं ट्यूब में लिक्विड भरा है और ये वन एंड के अबाउट रोटेशन के बजाय बीच से कहीं रोटेट कर रहा है, बीचों बीच से नहीं इधर कहीं रोटेट कर रहा है। जब यह रोटेट करेगा अलग अलग लेंथ होने के कारण इधर लेवल कुछ और होगा, इधर लेवल कुछ और होगा, इधर ज्यादा दूर होने के कारण इधर ज्यादा लिक्विड फेंकाएगा, इधर लिक्विड कम फेंकाएगा, दोनों के लेवल में अंतर होगा। वही पूछा जा रहा है कि दोनों के लेवल में अंतर कितना है। दोनों के लेवल में अंतर यह होता अगर तब जब इस वन इंड के अबाउट रोटेशन होता। अगर रोटेशन यहां से है तब कीजिए क्या कि इस वन इंड के अबाउट इधर कितना लेवल है, इधर कितना लेवल है अलग निकालिए, यहां से डायरेक्ट लगा सकते हैं कि अगर इसके अबाउट रोटेशन है ये लेवल कितना फेंकाएगा, ये लेवल कितना फेंकाएगा, इसको इसको अलग निकालिए और दोनों के बीच डिफरेंस निकालने में एस टू माइनस एच वन ये सीधा तब लगा सकते हैं जब वन इंड के अबाउट रोटेशन हो, विच अगर इस एच टू का वैल्यू निकालिएगा तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर में 12 by 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2g माइनस ओमेगा स्क्वायर यहां से रोटेशन था l by 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। सीधा ये तब लगा सकते हैं जब वन इंड के बाद रोटेशन हो। अगर इसके बीच पूछा तो डायरेक्ट नहीं, हाँ इस वन इंड के बाद रोटेशन है यहां से इधर अलग निकालिए, यहां से इधर अलग निकालिए, तब दोनों के बीच एक ये तरीका नहीं तो फिर डेराइव करके निकालिए छोटा सा सेगमेंट यहां से यहां तक निकालिए कि प्रेशर कितना चेंज कर रहा है, वहां से निकालिए कि हाइट कितना चेंज कर रहा है। ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई थ्री स्क्वायर इंटू टू जी बाहर टू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर दैट इज थ्री, थ्री से कैंसिल आउट एक थ्री बचेगा दैट इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई सिक्स। यहां कुछ और हो रहा था वहां पर कुछ और हो रहा है। चलिए इस रोटेशन पे एक और एग्जांपल बात करते हैं। किसी यू शेप वाले ट्यूब में एक साइड रो डेंसिटी का एक साइड टू रो डेंसिटी छोड़ेंगे तो ऐसा ही रहेगा। तो पढ़े हैं कि जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है वो नीचे आता है, जैसे ही छोड़ेंगे तो ये ज्यादा डेंसिटी वाला इसको ढकेलेगा यू, अगर इस तरह से फ्री छोड़ दे तो ऐसा नहीं ये टूर वाला ढकेल देगा। लेकिन बोल रहा है इसको वन इंड से रोटेट कर रहा है, पूछा जा रहा है इसको कितने से रोटेट करें कि जो दोनों लिक्विड जिसमें ये इधर आना चाह रहा था लेकिन रोटेशन के कारण बाहर फेंका रहा है, फाइनली पूछ रहा है कितने स्पीड से रोटेट करें कि ये इस तरह से इक्विलिब्रियम में रहे। नहीं रोटेट कीजिएगा तो टू रो वाला नीचे आ जाएगा, ये रो वाला बाहर चला जाएगा, हाँ कुछ बचेगा लेकिन ऊपर में बीच बीच में नहीं रहेगा।
बोल रहा है किस स्पीड से रोटेट करे कि टूरो वाला डेंसिटी ज्यादा होने के कारण नीचे आ रहा था, रोटेशन के कारण बाहर फेंका रहा था, फाइनली इस तरह से इक्विलिब्रियम में रहे, कितने से रोटेट करे, जिसमें इसका कुछ हाइट होगा, कुछ लेंथ होगा, चलिए आधा आधा मानी, अगर एल रहा था तो एल एल मानते हैं, मान लेते हैं एल लेंथ का ट्यूब, ट्यूब में हाइट एच, ओमेगा एक अननोन दिख रहा है, पूछ रहा है, एक इक्वेशन लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम, एक इक्वेशन में ये लिख सकते हैं कि अगर ये लिक्विड ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, जितना प्रेशर इस इंटरफेस पे इधर से होगा उतना प्रेशर उधर से भी होगा, तभी तो ना ये इंटरफेस इधर जा रहा ना इधर जा रहा है। सर रोटेट तो कर रहा था, तो रोटेशन में जब छोटा सा एलिमेंट लेते तो वहां पे हमको फोर्स चाहिए होता, तब प्रेशर बराबर नहीं होता, अगर एलिमेंट नहीं लिए हैं, मासलेस माने हैं, तो इंटर इसको कोई फोर्स नहीं चाहिए, जितना प्रेशर इस इंटरफेस पे इधर से उतना ही प्रेशर उधर से इंटरफेस पे, प्रेशर सेम दिखा के एक इक्वेशन बनाइए, अब वहां से एक अनुपात ओमेगा कितना आप सॉल्व कर सकते, प्रेशर सेम नहीं इसके इक्वेशन बनाना है, जिसमें अगर ये ओपन टू एयर है तो यहां पर हमको पता है पी नॉट प्रेशर, एक करके यहां तक आइए इक्वेशन रिजेक्ट कीजिए, ओपन ओपन टू एयर पी नॉट, नीचे आएंगे प्रेशर बढ़ेगा कितने से, रोटेशन वर्टिकल एक्सिस के और हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, इफेक्ट हॉरिजॉन्टल में होगा, इस रोटेशन का इफेक्ट वर्टिकल में रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, जैसे पहले चेंज करता था रोजी एच, अभी भी उसी तरह चेंज करेगा, रोटेशन में देख रहे थे कि जिसके अबाउट रोटेट कर रहा था उधर से दूर जा रहे थे तो लिक्विड फेंका रहा था, प्रेशर बढ़ रहा था, यहां पे पी नॉट नीचे आने में बढ़ेगा, वर्टिकल में इस रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन हॉरिजॉन्टली में जब दूर जाएंगे, रोटेशन इसके अबाउट हो रहा है, दूर जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर कितना से बढ़ता था, तभी तो पहले डिराइव किया था कि सेम लेवल पे प्रेशर चेंज करेगा, प्रेशर कितना चेंज करेगा, हाफ रो ओमेगा एल स्क्वायर में प्रेशर सेम लेवल पे इतना चेंज करता उस रोटेशन के कारण, अगर रेस्ट में होता तो यह चेंज नहीं होता, रोटेशन के कारण इतना दूर में इतना चेंज करेगा, जैसा प्रेशर आप इस साइड से दिखा रहे हैं दूसरे साइड से भी दिखाना पड़ेगा, दूसरे साइड में ओपन पर पी नॉट नीचे आ रहा है एच हाइट टूरो जीएच, क्योंकि उधर टूरो डेंसिटी का लिक्विड है, वर्टिकली कितना ही नीचे आइए रोटेशन का भी फर्क पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे प्रेशर घटेगा रोटेशन के कारण, जिसके अबाउट रोटेशन है उससे दूर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन अगर इधर से आ रहे हैं यहां से इधर से आ रहे हैं तो प्रेशर घटेगा कितना, हाफ उधर रो नहीं इधर टू रो डेंसिटी था ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू, इतना डिस्टेंस, एक इक्वेशन एक अननोन ओमेगा का वैल्यू सोल्व कर सकते हैं, जिससे पी नॉट कैंसिल आउट, रो वाला फैक्टर सारे से कैंसिल आउट, रो जी एच इधर टू रो जी एच में रोजीएच को उधर लेके जाइएगा, चलिए रो रहने देते हैं रोजीएच बचेगा, एक बार लिख लीजिए थोड़ा सा, इधर टू इधर आएगा तो वन बाई फोर रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, उधर से बात कीजिएगा तो टू से टू कैंसिल आउट, वहां से भी वन बाई अच्छा स्क्वायर था वन बाई एट, उधर से बात कीजिए टू कैंसिल आउट वन बाई फोर रो ओमेगा एल स्क्वायर, रो वाला फैक्टर हट जाएगा वन बाई एट प्लस वन बाई फोर आ जाएगा थ्री बाई एट, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी एच, रो तो कैंसिल हो गया, अतः आपसे जो पूछा जा रहा था इस ओमेगा का वैल्यू हटा के लिख सकते हैं, ये नीचे आ जाएगा एट जी एच, एट जी एच बाई थ्री एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर था ओमेगा का,
इतने स्पीड से जब रोटेट करेगा तो जो डेंसिटी अलग अलग होने के बाद इक्विलिब्रियम में नहीं होना चाहिए था, इस रोटेशन के कारण लिक्विड इक्विलिब्रियम में रहे। तो इंपॉर्टेंट यह है कि इक्वेशन लिखते कैसे, सोचते कैसे। चलिए इसको नोट कीजिए, बाकी नेक्स्ट वाले लेक्चर में बात करेंगे।